बदेल के द्वारा नशा मुक्ति संकल्प का संकल्प रखा गया, मैं भी उसका समर्थन करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा सदन के माध्यम से कि देश और प्रदेश में नशा इतना फैल गया है। एक मिनट कि इन्हें नशे प्लीज सभापति महोदय, एक मिनट सभापति महोदय, ये सदन तो इस पे लिखा हुआ है। अब आज आप एक तो तय करा दो, आप इतने सीनियर आदमी हैं और यहाँ बी डी कल्ला जी को तो बड़ा ज्ञान है इस पे कि भोलेनाथ क्या क्या लेते थे, बांग धतूरा जो भी, उनसे एक मिनट सुन लेना। एक मेरी रिक्वेस्ट, यहाँ जो भी बोले उनसे यूँ हाथ सामने करके शपथ कराओ कि वो नशा नहीं करते हैं, तो ये शपथ करा दो एक। वक्ता को बोलने दे, ऐसे खड़े हो जैसे आज ही सबको एक एक दुकान अलॉट कराऊं। मंत्री जी बोलने दो वक्ता को। सभापति महोदय, यह बड़ा ही सीरियस और गंभीर मुद्दा है जिसको एक मजाक का विषय बना दिया। राजस्थान के पवित्र सदन के अंदर नशा मुक्ति के बारे में जानकारी ली जा रही है, दी जा रही है, आंकड़े क्या है कुछ है, और अनिता जी ने यह संकल्प लाई है तो हम सब उसका समर्थन करना चाहते हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि ये देश और प्रदेश में, खाली राजस्थान का मामला नहीं है, पूरे देश के अंदर ही नशे का कारोबार इतना हो गया है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी किस ओर जा रही है? पीढ़ी खोखली हो गई है, बीमारी के जाल में फंसी हुई है और नशे के जाल में फंसने के कारण पूरा देश और प्रदेश बर्बाद हो रहा है। गांव ढाणी में रहने वाले लोग नशे के आदि हो रहे हैं, शहरों में रहने वाले लोग नशे के आदि हो रहे हैं। नशा एक प्रकार का नहीं है, बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू गुटखा का, शराब का, गांजे का, भांग का, कोकीन का, स्मेक का, अफीम, डोडा, चूरा, चरस, हेरोइन, एमडी जैसे खतरनाक रासायनिक पदार्थ और अन्य पदार्थ लेकर के ये नशा करने वाले लोग अपने जीवन को बर्बाद करें और नारकीय जीवन जिएंगे और एक दिन ऐसी बीमारी उनको ग्रसित कर जाएगी कि वो इन बीमारियों का छुटकारा नहीं पा सकेंगे और इनको एक दिन भगवान के लोक जाना पड़ेगा। इस नशे की प्रवृत्ति के कारण मैंने देखा है कई लोग बीमार हैं, उनके अंदर बीमारियों में कैंसर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, लीवर, किडनी, फेफड़े, बीपी, शुगर, अस्थमा, ऐसी कई बीमारियाँ, भयंकर बीमारियाँ उन नशा करने वाले लोगों में हो जाती है। मैंने वहाँ देखा था, एक पिक्चर देखी थी, उड़ता पंजाब, पंजाब के अंदर नशे का सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 28 फरवरी 2023 के